हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञान चैनल स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें 20 प्लस क्वेश्चन होंगे जिसका सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि कितने आंसर का आपने सही टिक लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो पहला ऑप्शन है फीट, सेकेंड ऑप्शन है बिट, तीसरा ऑप्शन है मीटर, चौथा है मिलीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, बिट के द्वारा मापा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापते हैं? तो पहला ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, सेकेंड है जनसंख्या घनत्व, तीसरा ऑप्शन है शक्ति व्यय की क्षमता, चौथा है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो यहाँ पे कंप्यूटर की स्मृति क्षमता करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के मुख्य पटल कहलाता है? तो ऑप्शन है मदरबोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, चौथा इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो जरूर टिक लगाइए कि कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से टिक लगाइए। तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? पहला ऑप्शन है सीवी रमन ने, सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट नायक ने, तीसरा ऑप्शन है जे एन किल्वी ने, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में आपने सुने होंगे, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा जे एन किल्वी ने, थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो पहला है आयरन ऑक्साइड, सेकेंड है फॉस्फोरस पेटाऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, चौथा है सोडियम पेरोक्साइड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो आपने सीडी डिस्क देखे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहला हमारा आयरन ऑक्साइड के परत लगी होती है फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? पहला है सॉफ्टवेयर, सेकेंड ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा है नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है फॉर्मवेयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चल सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकिक कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो पहला ऑप्शन है अर्बन होलेरिथ, सेकेंड ऑप्शन है चार्ल्स वेबर, तीसरा है बैल्स पास्कल, चौथा ऑप्शन है विलियम ब्यूरोज। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स बेबेज के द्वारा अंकिक कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के भौतिक बनावट कहलाते हैं? तो पहला है सॉफ्टवेयर, सेकेंड ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा है फॉर्मवेयर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर के भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है, जिसे हम छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है? तो पहला है प्रिंटर, सेकेंड है कुंजी पटल, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू, चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ाओं को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करके रख सकता है, तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है डिस्क, सेकंड ऑप्शन है चिप, तीसरा है चुंबकीय टेप, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चिप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकेंड ऑप्शन है निकिल, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा है कॉपर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी पता चल सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिलिकॉन का परत लगी होती है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उत्तरी कंप्यूटर भाषा है? तो पहला ऑप्शन है फोटॉन, सेकेंड ऑप्शन है पास्कल, तीसरा है कोबोल, चौथा है सी प्लस प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जरूर टिक लगाइए। तो इसका कोबोल इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकास की गई कंप्यूटर भाषा है? तो आपको लैंग्वेज कौन सा है चुनना है फ्रेंड्स। तो पहला है प्रोटॉन, सेकेंड ऑप्शन है पास्कल, तीसरा है कोबोल, चौथा ऑप्शन है बेसिक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम विकास की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो फोटॉन है, आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन है फोटॉन, सेकेंड है बेसिक, तीसरा है कोबोल, चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कोबोल इज द राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो पहला है व्यवसायिक कार्य, सेकंड है ग्राफिक कार्य, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक कार्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, व्यवसायिक कार्य में कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है? पहला ऑप्शन है व्यवसाय, सेकंड है रेखाचित्र, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, चौथा ऑप्शन है वाणिज्य। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विज्ञान के क्षेत्र में फोटोन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डन कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है बेसिक, सेकंड ऑप्शन है कोबोल, तीसरा है फोटोन, चौथा ऑप्शन है पास्कल, तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है द्विधारी अंक पद्धति, सेकंड ऑप्शन है दशमलव अंक पद्धति, तीसरा है अनुरूप गणना पद्धति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो द्विधारी अंक पद्धति इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो वायरस है, तो पहला ऑप्शन है कैंसर का उत्तरदायित्व वायरस, सेकंड ऑप्शन है कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, तीसरा है चूहों में फैलने वाला वायरस, चौथा ऑप्शन है एक कंप्यूटर वायरस। वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपने माइकल एंजेलो वायरस के बारे में जरूर सुने होंगे, तो यह है एक कंप्यूटर वायरस है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है? तो पहला ऑप्शन है 30 बिट, सेकेंड है 15 बिट से लेकर के 100 बिट तक, तीसरा ऑप्शन है 32 बिट, चौथा ऑप्शन है 15 बिट। तो जल्दी से टिक लगाइए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 32 बिट को डिकोड कर लेते हैं, तो सी इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।